हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसको देख लें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जल्दी है वीडियो में आने की। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये बीच में आ जाता है। चलो टाटा बाय बाय कर दो, जल्दी से हाय कर दो। सामने देखो, सामने देखो, हाय कर दो। हाय, आपने भी वीडियो बनानी है। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। मेरी एक बहुत अच्छी फैलो ब्लॉगर हैं, फ्रेंड हैं इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे आज सुबह आइडिया दिया कि मैं आप लोगों के साथ वर्ड्स इन माय बैग वीडियो शेयर करूँ, यानी कि अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं अपने बैग में क्या क्या चीज़ें कैरी करती हूँ, मेरे बैग में क्या स्टफ़ होता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे है मेरे पास ये मेरा छोटू सा हैंड बैग, जो कि मैं कैजुअल रूटीन में यूज़ करती हूँ। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट हैंड बैग है, क्योंकि एक तो इसको कैरी करना बहुत इजी है, और ये बहुत ही स्टाइलिश है, और इसमें स्पेस इतनी ज़्यादा है कि आप इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको रख सकते हैं। और अभी जब मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि इतने छोटे से बैग में मैंने इतनी चीज़ें रखी हुई हैं। और अगर आप लोग मेरी बैग्स की कलेक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बैग्स की बहुत सारी कलेक्शन है मेरी, आई थिंक 30+ हैंड बैग्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं वीडियो में आप लोगों के साथ 10 से 12 जो मेरे फेवरेट हैं वो शेयर करूँगी। तो ये वाला जो हैंड बैग है इसको मैं कैजुअल रूटीन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू कैरी है, लाइट वेट है। सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। और इसको मैंने बाय किया था मेट्रो से। आप लोग चाहें तो इस तरह के बैग स्टाइलों पर भी चेक कर सकते हैं, और ECS पे भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बैग्स की जो है वैरायटी आई हुई है आजकल समर कलेक्शन में। इसको जो है मैंने सर्दियों में लिया था, सर्दियों के स्टार्ट में, तो ऑलमोस्ट मैं इसको 6 से 7 महीने हो गए मैं इस बैग को यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं ये लेदर बैग है, और कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ। यहाँ पर जो है इन्होंने बकल के बैक साइड पे ब्लैक कलर की वेलवेट यूज़ की हुई है, और बाकी जो पूरा बैग है वो लेदर का है, ठीक है। अब मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इस बैग में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। और अभी इसमें से मेरा छोटा वाला जो क्लच होता है, जिसमें हम पैसे वगैरह कैरी करते हैं, वो इसमें नहीं है। तो जब इसमें थोड़ी सी चीज़ें कम होती हैं तो इसमें मैं अपना छोटा वाला मिनी क्लच भी कैरी करती हूँ, जिसमें पैसे वगैरह होते हैं, आईडी कार्ड होते हैं। तो जब मुझे लगता है कि बैग में जगह नहीं है तो फिर मैं उस क्लच को निकाल देती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस बैग में मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं रखी हुई हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलेगा मेरे बैग में एक छोटा सा मिनी क्यूट सा स्टोरेज बॉक्स, और इसमें मैं कैरी करती हूँ अपने सारे सिम कार्ड्स और मेमोरी कार्ड्स। इस तरह के बॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि बैग में जब आप डायरेक्टली जिप पोर्शन में या वैसे ही इस तरह की मिनी चीज़ें रख देते हो तो बाद में ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला बॉक्स मैं यूज़ करती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं मेरी सिम कार्ड्स की जैकेट्स हैं और कुछ मेमोरी कार्ड्स हैं। उसके बाद आपको मिलेगा मेरे बैग में एक छोटा सा क्यूट सा ये मिरर, और इसको आई थिंक मैंने $1 शॉप से लिया था। और ये इस तरह का मिरर है, आप इसको ओपन करेंगे तो इसके दोनों साइड्स पे मिरर दिया हुआ है, इस साइड पे भी मिरर है और इस साइड पे भी मिरर है। उसके बाद आपको मिलेगा मेरे बैग में से एक छोटा सा पॉकेट परफ्यूम। अक्सर जो है मेरे पास PR पैकेज में टेस्टर्स वगैरह आते हैं परफ्यूम के, तो वो मैंने इसमें रखे हुए थे बैग में, इस वाले बैग में, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा भी स्पेस नहीं है कि आप इसमें फुल साइज़ बॉटल जो है वो परफ्यूम की रख सको। या फिर मैं ये वाले परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ, इस तरह के परफ्यूम्स, या तो मेरे हैंडबैग में ये वाले परफ्यूम्स होते हैं, क्योंकि ये भी इजीली आपके हैंडबैग में आ जाते हैं, और इससे क्या है कि आपकी स्टोरेज जो है वो कम यूज़ होती है। और इसके अलावा मैं इस तरह के जो मिनी पॉकेट साइज़ के जो आते हैं परफ्यूम्स, ये अपने बैग में कैरी करती हूँ। और ये वाला जो है ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। तो ये वाला परफ्यूम जो है इसको मैं लाजमी कैरी करती हूँ अपने बैग में, चाहे मैं इसको यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं इसको लाजमी अपने बैग में रखती हूँ। उसके बाद आपको मिलेगा एक ये वाला पोनी, ठीक है, पोनी जो है इसको मैं लाजमी अपने बैग में रखती हूँ। अक्सर ये होता है कि आपका कैचर टूट जाए तो फिर आपको पोनी की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप कहीं पे बाहर हैं या आप किसी के घर स्टे करने के लिए गए हुए हैं। तो इस तरह ये एक दो पोनीज होती हैं मेरे बैग में,
उसके बाद आपको मिलेगा कुछ कैचर्स, ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ का कैचर है और ये मिनी कैचर है, तो ये कैचर्स भी मैं ज़रूर अपने बैग में कैरी करती हूँ। उसके बाद आपको मिलेगा मेरे बैग में कुछ मेकअप स्टफ़, अच्छा फाउंडेशंस, ब्लश, इस टाइप का मेकअप स्टफ़ जो है वो मैं अपने बैग में नहीं रखती हूँ। आपको मेरे बैग में सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक्स मिलेंगी या एक आध कोई लिप टिंट मिलेगा। तो ये अभी फ़िलहाल जो मेरे बैग में है, ये चार लिपस्टिक्स हैं मेरे बैग में। एक इस मैट में लिपस्टिक है, एक ये मेरे पास डोज ऑफ कलर्स की नूड लिपस्टिक है, एक मेरे पास ये YSL का लिप एंड चीक टिंट, टिंट तो नहीं है बट ये स्टेन टाइप का कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल है इसका। तो ये मुझे PR में आया था, ये मैंने रखा हुआ है, अक्सर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत शाइनी और ग्लोसी लुक देता है आपके लिप्स को। उसके बाद मेरे पास ये एक सेलामिक की लिक्विड मैट लिपस्टिक है। तो ये चार लिपस्टिक जो हैं ये मेरे हैंड बैग में है। नूड कलर्स मैं ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि अचानक से अगर आपको कहीं जाना और आपने मेकअप ना करना हो तो आप नूड लिपस्टिक सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा मेरे बैग में एक हैंड सैनिटाइज़र, और आजकल तो हैंड सैनिटाइज़र जो है बैग में कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेफ गार्ड का हैंड सैनिटाइज़र है, ये मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ। उसके अलावा आपको मिलेगा ये है एक हेयर बैंड, ये मैंने वैसे ही रखा हुआ है, एक्स्ट्रा जगह थी बैग में तो मैंने इसको रख दिया था। इसको कोई इतना ख़ास मैं यूज़ नहीं करती, कैचर्स और पोनी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद आपको मिलेगी मेरे बैग में ये एक रिंग, ठीक है, इसको मैं बहुत कम वेयर करती हूँ क्योंकि इसके स्टोन्स जो हैं वो जल्दी ख़राब ना हो जाएं। ये भी मुझे PR में आई थी, तो इसको मैं जब कहीं ख़ास जगह पे जाना हो तभी यूज़ करती हूँ। वैसे नॉर्मली जो है वो मेरी गोल्ड की रिंग है, मैं वही पहनती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वीडियोज़ में मैंने गोल्ड की रिंग पहनी होती है अपनी, और या फिर ये छोटा सा पेंडेंट हो गया आपका, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो मैं वेयर करती हूँ। तो जो बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें होती हैं वो मैं स्पेशल अगर कहीं जाना हो तो फिर पहनती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पहनती। उसके बाद आपको मिलेगा मेरे बैग में ये 5 रुपीज़ का छोटा सा कॉइन। देन आपको मिलेगा एक पेन और ये कुछ पेपर्स हैं, ये मल्टी कलर के पेपर्स स्टेशनरी से मिलते हैं। तो मेरी सिस्टर जो है उसके पास ही काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें होती हैं क्योंकि उसको आर्ट वर्क वगैरह का भी काफ़ी शौक है, तो ये मैं उससे ले लेती हूँ। तो अगर आपको कहीं पे नंबर वगैरह लिखना है, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन, तो आपके पास पेन और इस टाइप के पेपर्स जो हैं वो बैग में होने बहुत ज़रूरी हैं। तो बैग जो है वो हो गया है मेरा ऑलमोस्ट एम्प्टी। इस साइड पे पड़ी हुई हैं कुछ स्लिप्स वगैरह पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे जो एक छोटी सी पॉकेट है यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर है कुछ सिम कार्ड्स हैं, उसके अलावा कुछ पिज़्ज़ा मेंबरशिप के कार्ड्स हैं, और देन आपको मिलेगा मेरा ID कार्ड। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मैंने रखी हुई हैं इस छोटी वाली पॉकेट में। सो गाइज, ये थी आज की व्हाट्स इन माई बैग वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आपको बोर नहीं लगी होगी और आपने इसको इंजॉय किया होगा। कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, मेरे बैग में कैजुअल स्टफ था जो कि आई थिंक हर लड़की के बैग में होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने बैग में मेकअप प्रोडक्ट्स क्यों नहीं रखी हुई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं सिर्फ ट्रैवल करते हुए या कहीं पे हम स्टे कर रहे हैं तो फिर मैं बड़े वाले हैंड बैग में कैरी करती हूँ। छोटे बैग में एक तो स्पेस नहीं होती, और उसके अलावा आपकी जो पाउडर प्रोडक्ट्स होती हैं उनका टूटने का खतरा होता है, और अगर आपकी फाउंडेशन वगैरह गिर जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका बैग गंदा हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप एक सेपरेट से मेकअप पाउच का यूज़ करें, उसमें आप अपनी सारी मेकअप प्रोडक्ट्स को रख लें। जब आपने कहीं जाना हो तो आप उस मेकअप पाउच को उठाकर अपने हैंड बैग में शिफ्ट करें और आप उसको ले जाएं। जब आप वापस आएँ तो उस पाउच को आप निकाल कर बाहर रख दें। तो नॉर्मली मैं इसी तरह करती हूँ, जब मैंने मेकअप प्रोडक्ट ज़्यादा लेके जानी होती है कहीं, या कहीं पर स्टे करने के लिए जा रहे होते हैं, तो फिर मैं बड़ा वाला हैंड बैग कैरी करती हूँ। एक साइड पर मैं अपनी एक्स्ट्रा स्टफ रख लेती हूँ और एक साइड पर मैं अपना मेकअप पाउच रख लेती हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं पोस्ट करने वाली हूँ काशिस के फाउंडेशन के रिव्यू पे। तो आप लोगों ने ज़रूर उस वीडियो को भी देखना है, और तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।